अंचल है, श्री श्री राम जानकी तपोवन मंदिर निवारकपुर में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री महोदय पहुंच चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। शिलान्यास उन्होंने इसी महीने 22 तारीख को किया है, उसके लिए हम झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी का आभार प्रकट करते हैं और उन्हें तमाम राम भक्तों की ओर से धन्यवाद देते हैं। राम भक्तों को रामनवमी की हार्दिक हार्दिक बधाइयां देती है। आप हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे मेला स्थल की शोभा बढ़ाने के लिए आए हुए हैं। आप सभी को हम रामनवमी की शुभकामनाएं। सभी राम भक्तों की ओर से अभी हमारे बीच झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी पहुंचने वाले हैं। राज्यसभा सदस्य श्री महुआ मांझी का भी हम अपने मंच पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जिस तरीके से
ना जाने कितने बसों से यहां पर लोग काफी आस उम्मीद श्रद्धा के साथ आते हैं। ये सिलसिला कभी ना टूटे बल्कि और भी ये मजबूत हो जाए और हमें अपनी परंपरा को आगे बढ़ने का शक्ति मिले। इससे पहले जब मैं यहां आया था इस तपोभूमि पर कई सारी चीजों को मैंने इस तपोभूमि के विकास के संदर्भ में अपने विचार रखे थे और उस पर मैंने कहा था कि इस तपोभूमि को इस राज्य का एक प्रतीक के रूप में कैसे बनाया जाए, कैसे इसका विकास किया जाए, इस भूमि को और सुंदर और भव्य बनाने की प्रक्रिया हम लोगों ने प्रारंभ कर दी है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने 14 करोड़ रुपए का यहाँ एक आधारशिला रखा है और जरूरत पड़ेगा तो इसमें और भी राशि आवंटित कर इसको और बेहतर बनाने का काम करें। और कहीं ना कहीं आज ऐसे पवित्र स्थलों की वजह से जहां कभी एक दूसरे को कभी ना जाने ना समझे ना देखा, आज ऐसे पवित्र जगहों में हम सब अलग अलग जगहों से आकर एकत्रित हो रहे हैं और हम एक दूसरे को पहचान रहे हैं। इसलिए हमें ऐसे अपने ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित करने की हर वो कवायद करनी चाहिए जो इस तपोभूमि को और ऐसी 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 ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित करता। और आप देखेंगे आने वाले रामनवमी के दिन ये तपोभूमि बिल्कुल ही एक अलग स्वरूप लेके यहाँ आपको दिखेगा और हम निश्चित रूप से इसका गौरव के रूप में भी इसको पूर्ति देखेंगे। बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए आज यहाँ जितने लोग आ रहे हैं उन सभी लोगों से आग्रह है कि आप सभी लोग पूरी संयमित तरीके से इस त्योहार को कुशलतापूर्वक संपन्न करें। कोई भी ऐसी चीजें या गलतियां हमसे ना हो जिससे हमारे इतने बड़े समूह और इतने बड़े पर्व को ठेस पहुंचता हो। यहाँ पर आज इस त्योहार को बेहतर तरीके से सुरक्षित तरीके से संपन्न करने के लिए हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात है। इस मंदिर प्रांगण के वॉलंटियर मजबूत वॉलंटियर सब तैनाती के साथ खड़े हैं और मैं चाहूंगा इन सभी वॉलंटियर और हमारे इस
कार्यक्रम सुरक्षा में लगे सुरक्षा प्रणालियों का भी आप लोगों का भरपूर सहयोग मिलेगा। इन्हीं के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप, आपके परिवार और पूरा समाज समृद्धि की ओर आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। 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 बोलो सिया रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का, जिन्होंने इस इलाके को पर्यटक स्थल में बदलने का काम किया। धन्यवाद। श्री श्री महादेव मंडल नारायणपुर रांची, आप आए हैं तमाम राम भक्तों की ओर से झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का अपने मंच पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हुए उन्हें अपने मंच पर आने की हम आमंत्रण करते हैं। उनके साथ राज्यसभा सांसद श्री मनोहर मांझी जी का भी हम अपने मंच पर हार्दिक हार्दिक आमंत्रण देते हैं। हमारे बीच राम जान की हार्दिक हार्दिक अभिनंदन।